ऑल राइट आई गॉट मैनी पर्सनल रिस्पॉन्स क्या क्या डाउट्स हैं वन मोर मिनट फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना ओके okay, चलो स्टार्ट करते हैं राइट आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू पे अटेंशन टू द डिस्कशन जहां पर uh, किसी को डाउट होगा वो फिर आई टेक अप है ना एक बार ध्यान दो पहले लेट्स ट्राई टू आई आल जस्ट एक्सप्लेन द सॉल्यूशंस फर्स्ट ठीक है ध्यान देना सबको क्वेश्चन नंबर वन थ्री एक्टर्स रणबीर रणवीर एंड टाइगर कैन फिनिश अ मूवी इन नाइन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन डेज ओके तो जब भी डेज गिवन रहता है ना टाइम एंड वर्क में तो टोटल वर्क को एल सी एम ले लो एंड उसको कुछ भी यूनिट ले सकते हैं ठीक है मैं चॉकलेट्स लेता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग का ईज तो इट्स लाइक ईटिंग चॉकलेट्स इज द वर्क सो तो नाइन ट्वेल्व और फिफ्टीन डेज नाइन ट्वेल्व और फिफ्टीन का एल सी एम निकालो तो कितना आ गया सिक्सटी uh, आ, आ जाएगा इन दोनों ओके तो नाउ थिंक ऑफ इट लाइक दिस रणबीर इन नाइन डेज ईट्स चॉकलेट्स तो पर डे हाउ मच ट्वेंटी चॉकलेट्स रणवीर इन ट्वेल्व डेज ईट्स चॉकलेट्स तो पर डे फिफ्टीन चॉकलेट्स एंड टाइगर चॉकलेट्स अब देखो आगे देखो क्या लिखा हुआ works on Monday, on Tuesday and tiger on Wednesday, है रणबीर वर्क्स ऑन मंडे रणवीर ऑन ट्यूजे एंड टाइगर ऑन वेडनेसडे ठीक है तो टोटल में से टाइगर कितना काम कंप्लीट करेगा लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट डे रणवीर वर्क कर रहा है तो कितना चॉकलेट खा रहा है भाई ट्वेंटी सेकेंड डे रणवीर तो कितना खा रहा है फिफ्टीन थर्ड डे टाइगर तो कितना खा रहा है ट्वेल्व राइट right? ऐसे करके टोटल अगर देखें तो एक साइकिल में फोर्टी सेवन चॉकलेट कंप्लीट हो गया राइट right? और टोटल कितने चॉकलेट्स है वन समझे तो पहला मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक फोर्टी सेवन चॉकलेट कंप्लीट हो गया ठीक है भाई थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और फोर्टी सेवन कम्प्लीट हो गया संडे मंडे ट्यूजडे और फोर्टी सेवन कंप्लीट हो गया फोर्टी सेवन इंटू थ्री इज वन फोर्टी वन अब और फोर्टी सेवन नहीं कर सकते हैं। क्यों क्योंकि देर आर ओनली वन एट्टी चॉकलेट्स राइट तो वेडनेसडे अगला वेडनेसडे फिर पैटर्न रिपीट होगा तो ट्वेंटी गया ओके okay. फिर थर्सडे तो 35 जा चुका है लास्ट फ्राइडे बचा कितना है 180 में 4 ही तो बचा है राइट तो टाइगर आखिरी फ्राइडे केवल फोर खा पा रहा है और उसके पहले के तीन पैटर्न में अपना 12 पूरा खाया तो टाइगर टोटल कितना चॉकलेट खाया 12 3 टाइम्स प्लस 4 दैट इज 40 तो टाइगर ने खाया 40 चॉकलेट्स आउट ऑफ टोटल कितना कितना चॉकलेट था वर्क 180 तो टाइगर का वर्क का शेयर कितना हो गया 2/9 तो आंसर इज ए ओके अब ये बताओ सबसे पहले बहुत लोगों को समझ में आ गया आ, आ, वेरी गुड काजल ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं कि वन टोटल चॉकलेट ले लिए पर डे वर्क को चॉकलेट के टर्म्स में ले लिए ठीक है एंड तब तक ऐड करते गए इस पैटर्न के हिसाब से जब तक टोटल वन नहीं हुआ वेरी गुड काजल और किसी को डाउट है कहीं पे तो बताओ बहुत लोग थम्स ऑफ बोल दिए वेरी गुड किसी को डाउट है वो बताओ मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं टोटल वर्क को हम लोग चॉकलेट्स के टर्म्स में दिए ठीक है मल्टीप्लाई बाय थ्री कैसे हुआ देखो हाँ विशाल देखो आ, एक मिनट रुकना विशाल ये पैटर्न समझ में आ गया ना नहीं नहीं थ्री पर्सन की वजह से नहीं विशाल देखो पहले डे दे ट्वेंटी चॉकलेट खाता है फिर फिफ्टीन फिर ट्वेल्व तो थ्री डेज में कितना चॉकलेट खा रहा है फोर्टी सेवन राइट ओके नाउ ये ये बहुत अच्छा डाउट है और भी किसी का हो सकता है तो एक बार ध्यान से समझ लो इस टाइप के क्वेश्चन हैं ना ध्यान से देखो टोटल चॉकलेट वन एट्टी है ठीक राइट right? और एक पैटर्न में कितना खा रहा है फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन का कौन सा मल्टीपल वन एट्टी से छोटा होगा ये बताओ फोर्टी सेवन इंटू टू नाइन फोर फोर्टी सेवन इंटू थ्री वन फोर्टी वन कितना हो हो जाएगा ज़्यादा गया ना तो 180 से ज़्यादा नहीं जा सकते सकते इसीलिए ये ये कितनी बार बार कर हैं बस थ्री 141 तक तो ये पैटर्न तीन बार तो 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 तीन हो जाएगा तो इससे तो इस तीन बार के पैटर्न में ही खा लिया ये टाइगर एंड लास्ट का जो बचा थर्टी नाइन है थर्टी नाइन में फिर टाइगर कितना खाएगा ट्वेंटी प्लस फोर थ्री पैटर्न को एलसीएम भी 180 कर सकते हैं ले सकते ठीक है।, है मतलब वो एक्चुअली आई थिंक मैंने वही किया है वो पैटर्न को ही लिया है इफ इट इज क्लियर वेल एंड गुड किसी और को कुछ और डाउट हो रहा है तो इसको एक बार फिर से रीडू करना ठीक है ना? अब बताओ एक बार देखो क्वेश्चन नंबर टू जस्ट एक मिनट देना ना क्वेश्चन नंबर टू देखो सबको एक अक्षय कैन कंप्लीट फोर्टी परसेंट ऑफ वर्क इन टू इन ट्वेंटी डेज है ना ध्यान से देखो ना क्वेश्चन नंबर टू एवरी वन पे अटेंशन एग्जाम टाइप क्वेश्चन एक बार साथ, -साथ करते जाते हैं ना ध्यान से देखो अक्षय फोर्टी परसेंट टू डेज में ट्वेंटी डेज में कर रहा है मैंने क्या किया ना हंड्रेड चॉकलेट को टोटल वर्क मान लिया अब इसमें भी बहुत लोग का क्वेश्चन हो सकता है है कि जरूरी है क्या ऐसा करना नहीं कोई जरूरी नहीं है बट मुझे लगा ऐसा कि 100 है तो चॉकलेट मान लेते हैं तो अगर फोर्टी परसेंट कितना चॉकलेट हो जाएगा फोर्टी चॉकलेट तो अक्षय का मैंने मान लिया कि फोर्टी चॉकलेट इन ट्वेंटी डेज तो पर डे कितना टू चॉकलेट अक्षय को ले लिया टू चॉकलेट पर डे अब आगे देखो और दीपिका हेल्प ले रहा है तो रणवीर का कितना हो पॉइंट एट का हाफ पॉइंट फोर तो तीनों का एफिशियंसी निकल गया आई डोंट नो किसने क्वेश्चन बनाया है बहुत ज्यादा ही बॉलीवुड लग रहा है मुझे ये, आ, सेट। मुझे गजेंद्र सर पे शक हो रहा है बट बर... राइट सो वी गॉट दीज बेसिकली राइट सी एवरी वन अक्षय का टू कैसे टोटल को हंड्रेड मान लेंगे तो ट्वेंटी पॉइंट एट टू उसका दीप, दीप का फोर्टी तो परसेंट मतलब और उसका हाफ रनवीर तो पॉइंट फोर ठीक है अब क्वेश्चन पूछ, uh, पूछ रहा है क्या हाउ मेनी मोर डेजेक अरे भाई फोर्टी परसेंट हो चुका है तो कितना बचा है सिक्सटी चॉकलेट बचा है और तीनों मिला के कितना हो गया काउंट करो तो टू प्लस पॉइंट एट प्लस पॉइंट फोर थ्री पॉइंट टू आ गया आंसर काजल बताओ समझ में आया और लोग बताओ एक बार एक क्वेश्चन नंबर टू अंडरस्टैंड एफिशेंसी प्रॉब्लम वेरी वेरी गुड एनी वन किसी पार्ट में डाउट है तो बोलो राज देखो एक बार फिर से बता देते चलो ध्यान दो एक मिनट में इसको ना फ्रेश लेके जा रहा हूँ ध्यान से देखना ठीक है देखो क्या बोल रहा है ना अक्षय फोर्टी परसेंट वर्क करता है ट्वेंटी डेज में ठीक मैंने टोटल वर्क को हंड्रेड चॉकलेट मान लिया तो फोर्टी परसेंट कितना हो जाएगा फोर्टी चॉकलेट अक्षय का और ट्वेंटी डेज में तो अक्षय पर डे फोर्टी बाय ट्वेंटी यानी कितना टू चॉकलेट पर डे एक बार बता दो राज यहां तक क्लियर हंड्रेड चॉकलेट मानेंगे तो फोर्टी चॉकलेट ही हो जाएगा ना फोर्टी परसेंट यस ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप देखो एफिशिएंसी रेशियो की है ना दीपिका इज फोर्टी परसेंट ऑफ फोर ऑफ टू तो, तो दीपिका कितना हो गया पॉइंट एट चॉकलेट पर डे एंड रणबीर दीपिका का फिफ्टी है तो पॉइंट का हाफ तो कितना हो जाएगा चॉकलेट पर डे ठीक तीनों मिला के कितना हो गया पर डे टू प्लस पॉइंट एट प्लस फोर दैट इज थ्री पॉइंट टू चॉकलेट पर डे तीनों मिला के अब पूछ रहा है कितना दिन एक्स्ट्रा लगेगा तो यार राज फोर्टी चॉकलेट हो चुका है बचा कितना तब सिक्सटी चॉकलेट्स और तीनों मिला के खाता है थ्री पॉइंट टू पर डे तो कितना दिन लगेगा सिंपल सॉल्व कर दो इसको एवरीबडी राज समझ में आया वेरी वेरी गुड सोल्यूशन है इसलिए अगर कोई नहीं भी लिख पा रहा है तो कोई बात नहीं सोल्यूशन तो हम लोग तो शेयर कर ही लिए हैं तो वो देख लेना लेट्स गो टू दर्ड क्वेश्चन गुड गुड राज गुड एवरी वन पे अटेंशन टू क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ है ना क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो सिक्सटी कहा माने थे ना एक में टोटल वर्क को चॉकलेट माने ट भी मान सकते हो तुम तो उसमें अक्षय कंप्लीट कर चुका है तो रिमेनिंग होगा ना एक बार बता दो तो जरा समझ में आया तो सिक्सटी परसेंट सिक्सटी चॉकलेट हो जाएगा तुम उसको परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हो यार है ना वेरी गुड एवरीबडी लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ एक मिनट दो मुझे जस्ट ए मिनट क्वेश्चन नंबर थ्री लेट मी जस्ट टेक अप वन मिनट हाँ टी कैन वर्क हाफ एज फास्ट एज सोनू एंड स्वीटी टुगेदर देखना सबको ध्यान से ना ये इक्वेशन देखो सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं टी कैन वर्क हाफ एज सोनू प्लस स्वीटी टुगेदर स्टेप बाय स्टेप देखना ठीक किसी का डाउट होगा ना तो मैं पूछूंगा इसमें कि कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया पे अटेंशन ऑन द स्टेप्स गो हाफ एज फास्ट एज सोनू प्लस स्वीटी तो ये पहला इक्वेशन है सोनू प्लस स्वीटी का हाफ इज टिटू ये पहला इक्वेशन हो गया ठीक है भाई नेक्स्ट देखो टिटू एंड सोनू कैन वर्क फोर टाइम्स एज फास्ट एज स्वीटी टिटू एंड सोनू न वर्क फोर टाइम्स स्वीटी तो ये सेकंड इक्वेशन बना दिए यह भी ठीक है अब देखो टिट्टू सोनू एंड स्वीटी टूगेदर ट्वेंटी अब यहाँ पर मैंने अपना चॉकलेट वाला फर्डा फिर से लगा दिया स्वीटी को मान लिया वन चॉकलेट पर डे ठीक है तो टिट्टू प्लस सोनू कितना हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन से फोर टाइम्स यानी फोर चॉकलेट पर डे तो तीनों मिला के कितना हो जाएगा टिटू प्लस सोनू प्लस, प्लस स्वीटू देखो फाइव चॉकलेट पर डे तीनों मिला के और बीस दिन में काम खत्म कर रहा है तो इंटू ट्वेंटी कर दो तो टोटल चॉकलेट कितना हो गया टोटल वर्क हंड्रेड चॉकलेट आ गया अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्वीटी को कितना टाइम लगेगा तो स्वीटी पर डे वन है और हंड्रेड टोटल है तो हंड्रेड डेज लगेगा बताओ पहले बताओ कितने लोगों को समझ में आया डाउट फे टेकअप करेंगे ऑल राइट आई सी मेनी ऑफ यू गेटिंग इट कूल तो uh, निखिल डाउट बताएंगे आयुष बताएंगे एक मिनट बताते हैं फिर से चलो ध्यान से देखो सबको मैं इस बार चैट पे लिख के बता रहा हूं ना ध्यान द्या, से देखना से, ओके, मैंने स्वीटू को मारा वन चॉकलेट पर डे इसको माना वन चॉकलेट पर डे ओके काजल ऑलराइट अब यहां से देखो एक बार सबको देखो डू यू गेट दिस वन दैट टी प्लस एस ओ इज फोर टाइम्स एस डब्ल्यू सो दैट विल बी फोर चॉकलेट्स पर डे टी एंड सोनू फोर टाइम्स फास्ट है तो तीनों का सम अगर देखे कि टू प्लस सोनू प्लस स्वीटी तो वन प्लस फोर हो जाएगा ना पहले यहां तक बताओ एक बार बताओ तो यहां तक समझ में आ रहा है आयुष निखिल, काजल ओके आयुष निखिल एक बार बताओ क्वेश्चन में लिखा है ना टिटू प्लस सोनू और फोर टाइम्स स्वीटी स्वीटी को वन माने तो टिट्टू प्लस सोनू कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा लाइन पढ़ो ना टिटू एंड सोनू कैन वर्क फोर टाइम्स स्वीटी सिंपल तो गुड तो टोटल फाइव हो गया तो टोटल वर्क विल बी फाइव चॉकलेट पर डे इनटू ट्वेंटी डेज विच इज इक्वल टू हंड्रेड चॉकलेट ठीक है निखिल को भी समझ में आ गया आयुष को भी आ गया। वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाई स्वीटी टू कंप्लीट इट्स वेरी सिंपल हंड्रेड चॉकलेट बाई वन चॉकलेट पर डे दैट इज हंड्रेड डेज ठीक है तो आई होप यू आर एंजॉइंग द लर्निंग ऑफ़ द मैथड एप्लीकेशन इनकेस देर इज स्टिल डाउट एक बार आप इंस्टीट्यूट पर भी पूछ सकते हैं सर से या फिर रीडू करिए क्वेश्चन पहले तो है न एक बार फ्रेश माइंड से तो बेटर क्लियर होगा ओके लेट्स क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं काफ़ी लॉजिकल रहता है मतलब ये सब ना कैट का मैक्सिमम क्वेश्चन ना बेस्ड फार्मूला बेस्ड नहीं होता है लॉजिक सही से, से लगाओगे ना तो काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाता है एक मिनट देना ना चलो एक थोड़ा सा स्टाइल ऑफ अभी डिस्कशन को चेंज करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर किसको किसको डाउट है ये बताओ आई विल आस्क पहले किसका डाउट है फिर एक्सप्लेन करें क्वेश्चन फोर आर्यन का डॉक्टर ठीक है अनामिका का भी ओके जस्ट वन मिनट राज ठीक है देखो स्टार्ट करते हैं देर आर नाइन टू डिजिट नंबर्स विथ टेन डिस्टिंग डिजिट एंड यूनिट डिजिट इज वन लेस डिजिट यूनिट डिजिट डिजिट से एक कम है तो कैसा हो सकता है वन जीरो हो सकता है टू वन हो सकता है थ्री टू हो सकता है ऐसे करके नाइन एट हो सकता है कंडीशन पढ़ो यूनिट डिजिट इज वन लेस द टेन डिजिट ठीक एवरेज ऑन यूनिट डिजिट तो जीरो से लेकर एट तक का एवरेज निकालना है तो so, गाइज कोई भी नंबर वन से लेकर एट तक का सम का फार्मूला क्या होगा एन इंटू एन प्लस वन बाई एट इन टू नाइन बाई टू तो ये आ गया थर्टी सिक्स और नंबर नम्ब, नंबर्स नंबर्स कितने हैं तो एवरेज कितना हो गया फोर हो गया आर्यन अनामिका राज अब समझ में आया ऐसे नंबर्स लेने थे जिसमें यूनिट डिजिट वाज वन लेस देन द टेंस डिजिट आर्यन क्लियर ओके राज यूनिट डिजिट का उसके बाद एवरेज निकाल लेना था अनामिका क्लियर ओके प्रिंस uh, ये नंबर का फॉर्मेट समझ में आया है पहले ये बताओ वन जीरो टू वन ऐसे क्यों ले रहे हैं ये वाला पार्ट समझ में आया है नहीं देखो लुक एट दिस सेंटेंस यूनिट डिजिट ऑफ ईच नंबर ठीक है यूनिट डिजिट यानी ये वाला इज बता रहे सर बता रहे इज़ वन लेस द टेंस डिजिट डिजिट इज वन लेस डिजिट। तो ले कर देखते हैं यूनिट डिजिट सबसे कम कितना ले सकते हैं प्रिंस सबसे छोटा डिजिट क्या होता है जीरो यूनिट डिजिट वन लेस है तो इधर एक बड़ा होगा ना ए वन बड़ा होगा बी से ए बी से एक बड़ा है तो ये जीरो लोगे तो ये वन होगा समझे फिर ये वन लोगे तो ये टू होगा ऐसा करते करते लास्ट क्या ले सकते हो ये एट तो ये नाइन होगा got it अभी समझ में आएस अब तो देखो केवल ये लास्ट यूनिट डिजिट का सम का एवरेज निकालना था यार है ना राइट काजल आप जीरो से लेके एट तक का सम का एवरेज निकालना है तो जीरो से एट है ना न से लेकर एट तक बेसिकली ना नौ नंबर है आ, वन से लेके एन तक का सम क्या होता है एन इन टू एन प्लस वन बाई ठीक है तो सम निकाल लो एवरेज निकाल लो अब एक बार देख लेना किसी को डाउट है तो समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखो फाइव किसका किसका डाउट है बताइए रीत का डाउट है ओके okay. और किसी का बोलने का शर्माना नहीं आशीष का भी है ओके okay. ठीक है चलो देखो लेट्स डिस्कस मनीषा ओके काजल लेट्स सी एक बार देखते हैं ना मैंने क्या किया है वो देखो एक बार जस्ट और फाइव नंबर्स एक बार मैं समझने की कोशिश करो सबको ध्यान से देखना पांच नंबर है ठीक है फर्स्ट नंबर इज थ्राइज द थर्ड नंबर साथ साथ लिखो जिसका भी डाउट है ना एक बार साथ, साथ लिखना नहीं तो फिर वो समझ में नहीं आएगा ओके okay, काजल कोई बात नहीं okay. सब लोग एक बार ध्यान से देखो फर्स्ट नंबर थर्ड। तीन इसको ए लो तो ये थ्राइज थर्ड हो जाएगा रिया यहां तक बताओ पहले फर्स्ट आर यू गेटिंग इट कोई भी एक जन बता दो रिया मनीषा रीत आशीष फर्स्ट नंबर इज थ्राइज थर्ड ठीक है अगला देखो फोर्थ नंबर इज टू लेस देन द फर्स्ट फोर्थ नंबर टू लेस देन द फर्स्ट तो फोर्थ नंबर में से टू लेस हो गया समझ रहे हो ना अब फिफ्थ नंबर इज वन सेवेंथ ऑफ द सेकेंड एंड सेकेंड नंबर इज थ्री लेस देन द फर्स्ट सेकेंड नंबर इज थ्री लेस देन थ्राइज द फर्स्ट तो ये हो गया सेकेंड नंबर बाई और फर्स्ट नंबर जो है वन सेवेंथ ऑफ द सेकेंड नंबर तो वन बाई सेवेंथ ऑफ दिस यार ये देखो यही यहाँ पर नंबर हम निकाले हैं और उसके बाद तो बड़ा आसान है एक बार ये निकल गया ना तो एवरेज का फॉर्मूला लगा देना था सिंपल ये सारा डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू सिक्सटीन पॉइंट टू सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा अब बताओ डू यू अंडरस्टैंड इट आशीष का क्लियर प्रीत क्लियर रिया क्लियर मनीषा ओके वेरी गुड वेरी गुड ऑल राइट गुड रवि किसी को फर्दर डाउट है ना गैस uh, तो एक बार बनाना पड़ेगा ना उसको फिर से बनाने का है सोल्यूशन आपके पास है ही ठीक है चलिए लास्ट वाले में आते हैं लास्ट वाला ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है uh, मुझे लॉजिकल ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्वेश्चन क्योंकि कैट जनरली वैसा ही ज़्यादा पूछता है बट स्टिल विल डू दिस ध्यान से देखो फिफ्टी लीटर्स एल्कोहल है फाइव में एवरेज में फाइव से डिवाइड करना है यस yes, यस yes. विशाल uh, देखो तो मैंने क्या किया है फाइव से मैंने सम देखो तो सम को एवरेज इनटू फाइव भी तो कर सकते हैं यार विशाल समझ में आई बात वही चीज को मैंने उल्टा कर दिया यार एटी वन लिख दिया डायरेक्टली फाइव से डिवाइड करेंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना यार राइट साइड में गॉट इट ना गुड ओके जस्ट ए मिनट फिफ्टी लीटर्स एल्कोहल है फाइव लीटर्स आर ड्रॉन एंड रिप्लेसड विद वाटर फिर सिक्स लीटर्स ड्रॉन एंड रिप्लेसड विद वाटर सेवन लीटर्स इज ड्रॉन एंड रिप्लेस विद वाटर फाइनल वॉल्यूम क्या होगा तो यार ये होता है एग्जैक्ट फार्मूला होता है किसी को अगर ये फार्मूला नहीं पता है तो अभी बता दे रहा हूँ इसको अप्लाई किया जाए ना फाइनल वॉल्यूम इज गिवेन बाय इनिशियल वॉल्यूम इन टू वन माइनस रिप्लेसमेंट क्वांटिटी बाय टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड जितनी बार रिप्लेसमेंट हो रहा है एक बार ये फार्मूला देखो और ये इक्वेशन देखो कैसे सॉल्व हुआ है तो समझ में आ जाएगा क्योंकि टोटल क्वांटिटी हमेशा सेम फिफ्टी है एंड एक बार थम्सअप दो अगर ये समझ में आ गया इस क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई करना हो जिसका डाउट है एल सी इन बट एक बार बताओ पहले क्लियर है हूँ तो। देखो ना पहली बार पांच सीटर हटा रहे थे टोटल कितना था फिफ्टी दूसरी बार छह हटा रहे थे टोटल फिफ्टी तीसरी बार सेवन हटा रहे थे टोटल फिफ्टी बस वैल्यूज करना है आंसर इज इज क्लियर ऑल राइट तो इफ यू हैव केयरफुली नोटिस ना ऑल दीज क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट इन कॉन्सेप्ट है ना बट नीड टू वंस रीड वो दैम जस्ट टू मेक श्योर की इस टाइप का अगला क्वेश्चन आया तो तुम एग्जाम में जल्दी बना पाओ है ना हाँ ऋषभ अगर वॉल्यूम चेंज होता ना एक एक करके बच्चों एक मिनट बता रहा हूँ पहले ऋषभ का कि ऋषभ का क्वेश्चन है टोटल वॉल्यूम चेंज होता तो फॉर्मूला ये होता हाँ तो टोटल वॉल्यूम चेंज होता तो टी तो 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 वन टू टू टी थ्री चेंज हो जाता इज दिस क्लियर ऋषभ ठीक रेशभ का क्लियर काजल परसेंटेज पूछता तो फिफ्टी की जगह हंड्रेड होता क्योंकि शीट में सारे क्वेश्चन अगर परसेंटेज पूछता कि परसेंटेज क्या है तो आपको हंड्रेड करना होता करेक्ट सिंपल तुम्हारा क्वेश्चन खुद ही आंसर है काजल क्लियर ठीक है निखिल और तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं निखिल बट वो लंबा है दूसरा तरीका क्या हो सकता है ना कि आप रेशियो से करिए हर बार अल्कोहल का क्वांटिटी पहले निकालिए और वाटर का क्वांटिटी निकालिए उसमें अगली बार फिर उसके रेशियो में निकालिए कहने का मतलब ये है कि अगर पचास लीटर है ठीक है जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं निखिल मान लो पचास लीटर है ठीक है इसमें से तो पहली बार निकाले पाँच लीटर तो अब तुम्हारे पास फोर्टी फाइव लीटर अल्कोहल है पाँच लीटर वाटर है ठीक अब तुम अगली बार जब निकालोगे तो रेशियो में ही निकालोगे ना देखो तो नाइन ईस्ट टू वन एल्कोहल का रेशियो है ठीक अब जब तुम इसमें से छः लीटर निकालोगे तो छः लीटर वाटर या एल्कोहल नहीं निकलेगा छः में से इसी रेशियो में अल्कोहल निकलेगा और वाटर निकलेगा तो आपको बार बार वो स्टेप्स करके निकालना पड़ेगा रेशियो में उसी से फॉर्मूला भी डिराइव होता है एक्चुअली तो वो लेंदी हो जाता द पॉइंट ठीक है निखिल यस काजल सर क्वेश्चन आ सकते हैं ना बट ऐसा कोई गारंटी नहीं होता कि मतलब नेसेसरली आए बट आ सकते हैं ना देर हर बीन क्वेश्चन इन कैट बिफोर ऑन दिस टॉपिक मधु क्वेश्चन नंबर फोर में बस एक चीज बताओ ए, एक सेकेंड बच्चों मधु का एक डाउट है मधु ये बताओ ये वाला समझ में आया है कि नंबर्स कैसे निकले हैं यूनिट डिजिट वन लेस देन टेंस डिजिट तो नंबर्स ऐसे होंगे ये वाला पार्ट समझ में आया है यस yes? ओके okay. अब ना यूनिट डिजिट का एवरेज निकालना है मधु तो यूनिट डिजिट का सम निकाल जीरो से एट तक का सम निकल जाएगा तो फार्मूला वन से एट का क्या होता है एन इंटू एन प्लस नाइन बाई टू तो थर्टी सिक्स आ गया अब इसको आपको डिवाइड करना होगा बाय नंबर ऑफ टर्म्स तो नाइन टर्म्स से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ गया इज दिस क्लियर मधु वेरी गुड चलिए तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन आई होप डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग आज अभी तुम लोग इतने में सीखे हो uh, एक सिंपल सेट और करते हैं ठीक है फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे द आइडिया इज मोर यू प्रैक्टिस मोर यू अप्लाई द बेटर यू कैन है ना प्रोसेस मेमोरी बिल्ड करना होता है दिस इज समय से नया टॉपिक्स नहीं है ये सब